अब देखिए नहीं भी दिया है और आई है और आई के साथ दुनिया जानती है क्या लगता है, एम लगता है। चलिए भाई हम लगा दिए यहाँ पे एम, आई एम नहीं है, नहीं का हो गया नॉट, आई एम नॉट ये हो गया। अब देखिए जाना हो गया गो, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, क्लियर है जी। ये देखिए हो गया ना आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ये पूरा हो गया हमारा निगेटिव का। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, हमारा इंट्रोगेटिव में जो है क्या आंसर आना चाहिए, क्या उसका फार्मूला है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। तो चलिए भाई हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, हमारा इंट्रोगेटिव। चलिए भाई इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले यूज करते हैं, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, आर है, एम है, उसके बाद हो गया हमारा सब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव में अगर निगेटिव शब्द आता है तो इज आर एम के बाद सब्जेक्ट लगाइएगा, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे नॉट, उसके बाद हम जोड़ेंगे वर्ब में आई एन जी, फिर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हो गया हमारा अदर, और लास्ट में इज आर एम सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आई एन जी, ऑब्जेक्ट उसके बाद हो गया हमारा अदर। इतना क्लियर है? चलिए भाई जब क्लियर है तो हम आपको देते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे नहीं जा रहा हूं इतना है। चलिए भाई जब इतना है तो अब हम आपको आंसर बताते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है कि मेरा भाई, मेरा भाई का हो गया माई ब्रदर, क्लियर जी, माई ब्रदर हो गया। अब देखिए इसमें नहीं शब्द आया है और माई ब्रदर मेरा भाई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे इज, माई ब्रदर इज नॉट, क्लियर है। अब देखिए वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड, आई एन जी छोड़ दीजिए, रीडिंग अ बुक, माई ब्रदर इज नॉट रीडिंग अ बुक, क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, तुम कमरे की सफाई नहीं कर रहे हो, तुम कमरे की सफाई नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू हो गया हमारा, यू के बाद नहीं शब्द आया और यू हो गया हमारा प्लूरल, इसलिए हो गया यहां पर आर, यू आर नॉट, यू आर नॉट, और वर्ब क्या है सफाई करना का, क्लीन, यू आर नॉट क्लीनिंग, क्या हो जाएगा द रूम, यू आर नॉट क्लीनिंग द रूम। इतना